नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के बीच और एलजी के बीच चूहे बिल्ली की रेस लगी हुई है। आम आदमी पार्टी एक घोटाले को फर्जी और बेबुनियाद बताने की कोशिश में जुटी रहती है, तब तक बीजेपी दूसरे घोटाले की पर्ची काट देती है। केजरीवाल सरकार अभी दारू घोटाला, क्लासरूम घोटाले के दाग के दामन बचाने की कोशिश कर रही थी कि एक और बस खरीद का घोटाला सामने आ गया। दिल्ली के एलजी ने फ्लोर बसों की, जो लो फ्लोर बसें थी, उनकी खरीद में टेंडर में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि एलजी की इस सिफारिश के बाद दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच कोहराम मचना तय है और उम्मीद के मुताबिक कोहराम मच गया। बीजेपी हमलावर है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अगर बस की खरीद हुई ही नहीं तो घोटाला कैसा, और दूसरा सवाल यह है कि बस की खरीद को लेकर जारी किए गए टेंडर में अगर सब कुछ पाक साफ है तो दिल्ली सरकार ने टेंडर रद्द क्यों किया। इन्हीं दोनों सवालों का जवाब जानने की कोशिश करती है यह रिपोर्ट, देखिए इसे आप भी। अरविंद केजरीवाल पर्याय बन गए हैं भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। उन्होंने फिर अपना एक बार चेहरा दिखा दिया है और डीटीसी की बस की खरीद में भी उन्होंने घोटाला किया है। एक और घोटाले के लपेटे में आप, बस खरीद टेंडर में गड़बड़ी का आरोप। 5,000 करोड़ की प्रोक्योरमेंट एक साथ एक वर्क ऑर्डर में, ये एक बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा टेंडर जिसमें सबसे बड़ा घोटाला। बसों की खरीद फरोख्त में, खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद घमासान, आपने सर पर उठाया आसमान। मैं एलजी साहब के इस कदम का बहुत स्वागत करता हूं कि डीटीसी बस की खरीद में हजारों करोड़ रुपए के एक नए घोटाला सामने आया। कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। दिल्ली में शराब घोटाले और क्लासरूम घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चूहे बिल्ली की रेस अभी थमी भी नहीं थी कि डीटीसी टेंडर घोटाले ने नया बाउंडर खड़ा कर दिया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने लो फ्लोर बसों की खरीद और मेंटेनेंस के टेंडर में हुई अनियमितताओं की जांच जैसे ही सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की, सियासी गलियारे में कोहराम मच गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को घोटालेबाजों की सरकार बताया तो आम आदमी पार्टी ने एलजी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल पर्याय बन गए हैं भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। और एक गारंटी है, अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। सवाल यह है कि लो फ्लोर बसों की खरीद और मेंटेनेंस के टेंडर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको आधार बनाकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सफाई यह है कि जब बसों की खरीद हुई ही नहीं तो उसमें घोटाला कैसे हो गया। जाहिर है पूरे मामले को समझना आपके लिए जरूरी है। पहले आप ये समझिए कि पूरे मामले में केजरीवाल सरकार पर आरोप क्या लगे हैं। दरअसल डीटीसी के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने 9 जून को एलजी के पास इस मामले की शिकायत भेजी थी। चीफ सेक्रेटरी ने अपनी शिकायत में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर 1,000 लो फ्लोर बसों की खरीद के टेंडर और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी DIMTS समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
शिकायत मिलने के बाद एलजी वीके सक्सेना ने 22 जुलाई को इस मामले को दिल्ली के मुख्य सचिव को रेफर कर दिया। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों की प्रतिक्रिया लेने के बाद 19 अगस्त को अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंप दी। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में खरीद और मेंटेनेंस के टेंडर में गड़बड़ी का इशारा किया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर एलजी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इस सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी एक एक कर उनके मंत्रियों को टारगेट कर रही है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी घोटालों की बौछार कर रही है। सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते। आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके एक एक करके नए नए करप्शन सामने आ रहे हैं। जिस तरह 1000 डीटीसी बसों की खरीद में इन्होंने सीबीसी की गाइडलाइन हो, जनरल फाइनेंस रूल हो या टेंडर के नियमों का उल्लंघन किया है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इन्होंने फिर अपना एक बार चेहरा दिखा दिया है कि ये सरकार में आए थे, कहते थे ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन आज वो भ्रष्टाचारी तरीके से काम कर रहे हैं। लो फ्लोर बसों की खरीद और मेंटेनेंस के टेंडर में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मचे घमासान के मर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सवाल ये है कि बसों की खरीद हुई ही नहीं तो घोटाला कैसे हो गया, और बीजेपी कह रही है कि टेंडर प्रक्रिया में लूट खसोट की तैयारी नहीं थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने टेंडर रद्द क्यों किया। साफ है कि पूरे मामले में कुछ तो ऐसा ग्रे एरिया है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उसके मेंटेनेंस का टेंडर जारी हो जाने और बोली लग जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार को टेंडर रद्द करना पड़ गया। दरअसल इस गड़बड़ छाले की बुनियाद सबसे पहले जुलाई 2019 में पड़ी। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने तब आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उसके मेंटेनेंस में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। विजेंद्र गुप्ता का आरोप था कि केजरीवाल सरकार ने मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दे दिया, जो कि नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। दरअसल बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही मेंटेनेंस का ठेका देने का असर ये होता कि बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाता, जबकि नई बसों की कम से कम 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। विजेंद्र गुप्ता के इस आरोप के बाद तत्कालीन एलजी अनिल बैजल ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ियों का इशारा किया करते हुए कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की सिफारिश कर दी। चीफ सेक्रेटरी बता रहे हैं मीटिंग में और पूरा हवाला दिया है कि ये पूरा गड़बड़ है, घोटाला है, गड़बड़ झाला है, ये हम जेबीएम को वर्क ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन मंत्री का दबाव लगातार बना रहा। और उसके बाद जब लगा कि मामला जमेगा नहीं तो उसके बाद उसको फिर ड्रॉप कर दिया। बीजेपी का आरोप है कि बसों की खरीद में लूट खसोट की राह आसान करने के लिए केजरीवाल सरकार ने 1 जून 2018 को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को ही डीटीसी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। बीजेपी का दावा है कि डीटीसी के इतिहास में 1970 से ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को इसका चेयरमैन बनाया गया हो। बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी वीके सक्सेना कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए बिना जाने समझे ही सभी फाइलों पर दस्तखत कर देते हैं। आम आदमी पार्टी किसी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को दिल्ली का एलजी नियुक्त करने की मांग कर रही है। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। आप कम से कम जो सरकारी कागज है वो पढ़ना तो सीख लीजिए। इसमें तमाम इररेगुलरिटीज हुई है, ये पहली बार देखा गया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जो एक अधिकारी होता था। अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है ये।
इन सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच देश की जनता बीजेपी से ये जानना चाहती है कि अगर बसों की खरीद नहीं हुई तो घोटाला कैसे हो गया, लेकिन साथ ही आम आदमी पार्टी से भी ये जवाब चाहती है कि टेंडर प्रक्रिया को ऐसा क्यों बनाया गया जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक था तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बसों की खरीद और उनके मेंटेनेंस के टेंडर को रद्द क्यों करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली सरकार का दावा है कि देश में उनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार सरकार कहीं किसी राज्य में है ही नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करते हैं। हाल फिलहाल में उनके इस दावे की हवाइयां उड़ती रहीं। जिन नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताते हुए ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे। नाम बहुत लंबी जो लिस्ट है, सत्येंद्र जैन को आप देख लीजिए, वो कह रहे थे भाई ये कट्टर ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री है। तो सत्येंद्र जैन के जेल में जाने के बाद अब मनीष सिसोदिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब केजरीवाल के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर भी सीबीआई की जांच बिठा दी गई है। आरोप है कि लो फ्लोर बसों और उनके मेंटेनेंस के जो टेंडर निकाले गए थे उसमें भ्रष्टाचार का हिसाब किताब मिला है। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको कट्टर ईमानदार और भ्रष्टाचार के बीच की इस जंग का एक पहलू समझाऊंगा। दरअसल एलजी और सीएम के बीच जंग का जो पाई हिसाब किताब है वो भी आपको समझना बेहद जरूरी है और वो मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल दिल्ली में बहुत जल्द एमसीडी का चुनाव होना है और बीजेपी इन चुनाव में अपनी पकड़ को और मजबूत कर फिर दोबारा जीतना चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताकर अपनी ईमानदारी की छवि की बदौलत एमसीडी में बड़ा उलटफेर करने के फिराक में है। तो यह भी एक खेल है। शराब, कमीशन और घोटाला। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया। क्या कहा है, केजरीवाल सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मुख्य मुद्दे से भटका दो, सही काम को लटका दो। अरविंद केजरीवाल की सरकार स्वराज से शराब और फिर शराब से भ्रष्टाचार। मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ कि वो खुले मंच पर आकर हमसे बहस करें। चोरी करने से पहले पकड़ा जाता है, चोर कहता है मैं ईमानदार हूं क्योंकि चोरी नहीं करी। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार की भूख ऐसी है साथियों जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार पर जंग, एलजी वर्सेस सीएम। अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। कट्टर ईमानदार वर्सेस घोटाला सरकार। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन थिएट्रिक्स। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच भ्रष्टाचार पर दंगल चल रहा है। एलजी साहब हर हफ्ते एक नई फाइल झाड़ पहुँच कर अलमारी से निकालते हैं और उसे सीबीआई को बढ़ा देते हैं। उधर एलजी साहब ने सीबीआई को फाइल बढ़ाई, इधर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर कर दी चढ़ाई। घोटाले की नई फाइल जो एलजी साहब ने सीबीआई को थमाई है उसमें लो फ्लोर डीटीसी बसों को खरीदने की टेंडर प्रक्रिया का हिसाब किताब है। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने साल 2019 में BS4 और BS6 कैटेगरी की बसें खरीदने के लिए टेंडर निकाला था। एलजी साहब ने सीबीआई को फाइल बढ़ाते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी है, 5,000 करोड़ की खरीद में करोड़ों के घोटाले का इंतजाम है। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब बसें खरीदी ही नहीं गईं, तो फिर घोटाला कहां से हो गया। चोरी करने से पहले पकड़ा जाता है, चोर कहता है मैं ईमानदार हूं क्योंकि चोरी नहीं करी। अपनी तरफ से आप भ्रष्टाचार पूरा कर चुके थे,
वसूली हो चुकी थी, काला धन आपकी तिजोरी में पहुंच चुका था। जब बसें खरीदी ही नहीं गईं, अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि डीटीसी के लिए जो टेंडर निकाले गए थे उनमें एक भी बस की खरीदारी दिल्ली सरकार ने नहीं की। आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बीजेपी बताए, जब पैसा खजाने से निकला ही नहीं तो घोटाला कैसे हुआ। जबकि बीजेपी कह रही है कि टेंडर में घोटाले का पूरा इंतजाम था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने हल्ला मचाया तो टेंडर रद्द कर दिया गया। नाक है, इन्होंने फिर अपना एक बार चेहरा दिखा दिया है कि ये सरकार में आए थे, कहते थे ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन आज वो भ्रष्टाचारी तरीके से काम कर रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसी की हो, लेकिन संविधान एलजी को सबसे ज्यादा पावर देता है। यहाँ पर कोई भी फाइल एलजी के साइन के बिना पास नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर केजरीवाल का 3-3 एलजी से टकराव हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी ने एलजी पर पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें नोटबंदी के दौरान पुरानी नोट को नया करने का, खादी ग्रामोद्योग में बेटी को फायदा पहुंचाने का। आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि केजरीवाल की कट्टर ईमानदार सरकार को परेशान करने के बजाय एलजी साहब सीबीआई से अपनी जांच करवाएं तो भ्रष्टाचार का रावण उन्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। जबकि बीजेपी करप्शन फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर अरविंद केजरीवाल को बता रही है, अगर उनको पीसी करना है तो सारे मीडिया वालों को बुलाया जाए, मीडिया वाले उनसे सवाल कर सके। आज कोई व्यक्ति उनसे सवाल ही नहीं कर पाता, वो आते हैं अपने मनपसंद का झूठ बोल के चले जाते हैं, देश को गुमराह करके चले जाते हैं। सियासत में इमेज और टाइमिंग का खेल नेताओं की जिंदगी तय करता है। दिल्ली में जल्द ही एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर गहरी चोट शुरू की है। केजरीवाल ने अब तक जिन नेताओं को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दिया है उनमें हवाला घोटाले में सत्येन जैन जेल में है, आबकारी और क्लासरूम घोटाले में सिसोदिया के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, डीटीसी बस घोटाले में केजरीवाल के परिवहन मंत्री लपेटे में है। हालांकि सीबीआई और ईडी अब तक की जांच में सत्येन जैन के अलावा केजरीवाल के किसी मंत्री के खिलाफ छापेमारी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं, वो पूरे देश को भरोसा हो गया। बसें आई नहीं और जो बसें आई उनमें भी घपला है, तो निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक थी और इसके लिए हम स्वागत करते हैं इस इंक्वायरी का। एलजी ने जिस डीटीसी घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं वो करीब 5000 करोड़ का है, जबकि क्लासरूम घोटाला करीब 1400 करोड़ का है, शराब घोटाला 144 करोड़ का है, लेकिन आरोप है कि दारू के ठेकों के बदले निजी कंपनियों से करोड़ों वसूले गए हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी चाहिए नहीं चाहिए? सबको चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार की रेवड़ी बांटकर केजरीवाल अपना खजाना भर रहे हैं। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार की पिच पर केजरीवाल को बोल्ड करने की फिराक में है, तो आम आदमी पार्टी ने छठ का मुद्दा छेड़कर बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब देखना है कि एमसीडी चुनाव तक दिल्ली के सियासी दंगल में जनता को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में डीटीसी बसों की खरीद भ्रष्टाचार की जांच की वजह से बीते 3 साल से लटकी हुई है। अब सीबीआई की एंट्री हो गई है और इसी के साथ इसमें और देरी हुई तो दिल्ली वालों को दिक्कत बढ़ना तय है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि डीटीसी बसों की कमी के चलते दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल दिल्ली में बसों की जरूरत लगभग 11,000 की है। मौजूदा समय में बसें कितनी हैं? 3,910, 29% बसों की कमी है और 2025 तक 3,246 बसें फेज आउट होनी है, मतलब इन्हें परिवहन से हटा दिया जाएगा।
तब क्या होगा आंकड़ा, ये 42% बसें कम हो जाएंगी। अब सवाल यह उठता है कि जरूरत के लिए दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में जोड़ दी है। 1500 नई इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर कर दिया गया है। टाटा मोटर्स को इसकी सप्लाई 2023 यानी अगले साल से शुरू हो जाएगी। 1650 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें आने के बाद भी करीब इतनी ही बसों की और जरूरत पड़ेगी। इसका खामियाजा या तो दिल्ली के लोग भुगतेंगे या फिर सरकार और नई बसें खरीदेंगी। दिल्ली में डीटीसी 450 रूट पर बस चलाती है और करीब इसमें 6.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय होती है। औसतन 33 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। लो फ्लोर सीएनजी बसों की ऑपरेशनल लाइफ 12 साल की होती है। यह बहुत जरूरी जानना आपके लिए। बसों की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फेस आउट टाइम 12 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। इसको हम जुगाड़ ही बोलेंगे। लेकिन डीटीसी की लगभग 7,50,000 जो बसें हैं उनके किलोमीटर चलने के बाद फेस आउट कर दी जाती है, यानी 7.5 लाख किलोमीटर अगर एक बस चल गई तो उसको फिर हटा दिया जाता है। लेकिन बसों की कमी बहुत ज़्यादा है तो इसको 12 साल से बढ़ा के 15 साल किया जा रहा है। इसका खामियाजा हम दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये जांच पड़ताल के चक्कर में नई बसों की खरीद में भी और टाइम लग सकता है। अच्छा, राष्ट्रवाद में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि लव जिहाद के चक्कर में फंसी एक महिला की रुला देने वाली कहानी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ब्रेक के बाद राष्ट्रवाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लव जिहाद, यह शब्द आज हर आमो खास के जहन में घुस चुका है। हर भारतीय इस लव से बाकायदे वाकिफ हो चुका है। लेकिन अफसोस कि इसके बाद भी देश की मासूम लड़कियां बदस्तूर शिकार हो रही हैं। आज भी देश की राजधानी दिल्ली में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में एक लव जिहादी ने पहले तो अपना असली नाम छुपाया और साथ ही पहले से वो शादीशुदा था यह सच भी छुपाया। यहां तक तो ठीक था। खुद को सच्चा हिंदू दिखाने के लिए उसने अपने हाथ पर मां शेरावाली का टैटू भी गुदवा रखा था। और इन सब के पीछे उसका मकसद एक था, मासूम हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाना। एक हिंदू लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाने के बाद इस जिहादी ने शुरू किया हैवानियत का नंगा नाच। पीड़िता पर पहले धर्मांतरण का दबाव डाला, फिर रोजा नमाज पढ़ने के लिए टॉर्चर किया। कुल मिलाकर एक महिला को टॉर्चर करने के जितने भी तरीके थे वो जानता था, जितने तरीके उसने सब कुछ आजमा लिया। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कि 7 साल की प्रताड़ना और जलालत झेलने के बाद वो महिला अब उस लव जिहादी की कैद से आजाद हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल लव जिहादी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके थर्ड डिग्री टॉर्चर को याद कर पीड़िता अभी भी डर जाती है, सिहर जाती है। देखिए लव जिहाद की पीड़िता की दर्दनाक दास्तां। कभी कहते नमाज पढ़, कुरान पढ़, इससे कलमा कबूल करवा, वीडियो बनाता था मेरी, जबरदस्ती कहता था कि रोजे रख, ये कर, नहीं तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। और ये मां शेरावाली की टैटू का छलावा, जिहादी ने हाथ में बांधा कलावा। जी करके घर आई, मुझे पता चलता है कि जो ऑलरेडी मैरिड है, इसके 3 बच्चे हैं और ये मुस्लिम है। इतने दिन मैं बुरी तरीके से इतने ट्रॉमा में थी। देश की राजधानी दिल्ली की इस मासूम महिला की दर्द भरी दास्तां रोंगटे खड़ी करने वाली है। ये बेगुनाह महिला लव जिहाद की हैवानियत की भेंट चढ़ चुकी है। 11 साल पहले दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में जिस शख्स से बड़ी ही हसकों के साथ मिली थी, उसी ने इसकी जिंदगी को जहन्नुम से भी बदतर बना दिया। एक महिला पर जितने तरह के जुल्मो सितम का तसव्वुर आप कर सकते हैं, इस महिला ने लव जिहाद के जाल में फंसकर वो सब झेला है। यहाँ तक कि मुझे ऐसे बंदी बना करके रखता था कि कोई भी आगे पीछे नहीं,
किसी को बात तक नहीं करने देता था। क्या मैं कोर्ट में जाती थी, हर जगह सबको मेरे पे नजरें रखवा करके रखता था कि ये किसी से बात ना कर ले, कोई से बात ना कर ले, मेरे बारे में कुछ बताना दे, यहाँ से निकल ना जाए। दरअसल 11 साल पहले दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इरशाद अली खान नाम का जिहादी इस महिला से पहली बार मिला तो उसने अपना नाम गुड्डू चौधरी बताया। बात इतनी ही होती तो चल जाती। इस मासूम को अपने जाल में फंसाने के लिए इरशाद नाम के लव जिहादी ने वो सब कुछ किया जिससे कोई भी धोखा खा जाए। पीड़िता को इम्प्रेस करने के लिए इरशाद ने खुद को सच्चा सनातनी दिखाने के लिए बेशुमार छलावे किए, यहां तक कि अपने हाथ पर मां शेरावाली का टैटू भी बनवा लिया। कभी कहते नमाज पढ़, कुरान पढ़, इससे कलमा कबूल करवा, वीडियो बनाता था मेरी, जबरदस्ती कहता था कि रोजे रख, ये कर, नहीं तो मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। और ये इरशाद शुरू के 4 साल पीड़िता को इम्प्रेस करने में लगा रहा, लेकिन ये सब कुछ उसने इतने शातिराना तरीके से किया कि उसकी असलियत उजागर नहीं हो पाई। पीड़िता को जब पक्का यकीन हो गया कि यही उसके दिल का असली राजकुमार है तो इरशाद ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इरशाद के झांसे में पूरी तरह आ चुके पीड़िता ने शादी के लिए हामी भर दी और दोनों ने साल 2015 में शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद गुड्डू चौधरी बने इरशाद की असलियत धीरे धीरे खुलने लगी। पीड़िता को जब तक इरशाद की भयावह सच्चाई पता चलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद तो इरशाद पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा, उसे रोजा रखने और नमाज पढ़ने के लिए टॉर्चर करने लगा। और उसके बाद फिर मेरे को उन चीजों को लेकर ब्लैकमेल करने लगा कि मैं कहीं और शादी ना करूं, क्योंकि मैं ये कहती थी कि अब मैं अपने घर वालों की उससे शादी करूंगी, हमारी ठीक है बातचीत होगी, दोस्ती होगी, ठीक है, इतने तक खत्म है। लेकिन ये इन सब चीजों के लिए ये नहीं मारा बिल्कुल भी, मुझे इतने परेशान करा, प्रोवोक करा। पीड़िता को इरशाद की सच्चाई जब पता चल गई तो उसने अलग होने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही शैतान इरशाद ने धोखे से पीड़िता के कई अश्लील वीडियो बना लिए थे। पीड़िता जब भी उससे दूर जाने की कोशिश करती इरशाद वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगता। लोक लाज के डर से महिला काफी लंबे समय तक यातनाएं सहती रही, लेकिन आखिर में उसने अलग होने की ठान ली। लेकिन तब इरशाद ने उसे भोपाल ले जाकर एक कमरे में कैद कर दिया और यहां उसका फिजिकल और मेंटल टॉर्चर करता रहा। एक दिन वो मौका देखकर भोपाल से भागकर यूपी के मेरठ आ गई और पुलिस से अपनी आप बीती बताई। सुनवाई हुई, मैंने अपनी कंप्लेंट लिखवाई, फिर मेरी एमएलसी कराई गई और इसको जेल भिजवाया गया। लेकिन जी अब ये मेरे पास ये थ्रेट दे रहा है कि मैं 3 दिन में बाहर आ जाऊंगा, तेरी औकात क्या है और फिर देख मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। पुलिस ने इस महिला को देखा तो उसके होश फाकता हो गए। पीड़िता के शरीर पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां गहरे चोट के निशान न हो, यहां तक कि पिटाई में उसकी हड्डी भी टूट चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद के जाल में फंसने के बाद इस मासूम महिला की जिंदगी किस कदर तबाह हो गई। और ये मुझे जान से मार देगा, इस चीज का मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल ये मार ही देगा मुझे जान से। प्लीज मुझे सेव किया जाए, इस आदमी को बेल ना दी जाए। बहरहाल पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर संगीन धाराओं के तहत इरशाद के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि लड़की परिवार के लोग उसके साथ नहीं है, इसलिए इसने उस चीज का फायदा उठाया। लड़की के आगे भी खाई की, पीछे भी कुआं था, इस तरह से ये जो स्थिति थी लड़की की, इस वजह से लड़की शिकायत तो करती थी लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, उसको प्रश्न नहीं कर पाती थी। इरशाद अली खान जो अक्यूज्ड है उसने अपने एडवोकेट होने का फायदा उठाना चाहा, प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश की। ऐसे में हमें अपने अच्छे वकील साथियों को जब यहाँ के 12 सिटीजन को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्हें बतलाया गया, सारे तथ्य बतलाए गए और किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं आई। लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं और ना ही ये महिला कोई पहली पीड़िता। लव जिहादी आज भी भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप बीमार हैं और गलती से एक्सपायरी इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा? अच्छा, आप पूछ रहे होंगे भाई अंजनी, अभी फिलहाल राजनीति की बात हो रही है, लव जिहाद की बात हो रही है, उसमें एक्सपायरी इंजेक्शन वाला मामला कहां से आ गया? तो वो इसलिए है कि बीजेपी के नेता तरुण चुग ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक्सपायर्ड इंजेक्शन हो गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन, तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी केरल पहुंच चुके हैं।
राहुल गांधी की केरल यात्रा में काफी भीड़ जुट रही है, लेकिन असम में कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका लगा। दरअसल असम कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कमरुल इस्लाम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन खुद कांग्रेसी क्यों उन पर एतबार नहीं कर रहे हैं? क्यों कांग्रेस हाईकमान पर बार बार कांग्रेसियों को भरोसा नहीं हो रहा है? अच्छा, इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मचे घमासान में कांग्रेस ने डेलीगेट्स की लिस्ट उन लोगों को सौंपने का फैसला कर लिया जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको समझाऊंगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सियासी मतलब क्या है। बीजेपी के तीखे हमलों की वजह भी आपको बताऊंगा। और इन सब के बीच कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस को छोड़ा, उसके पीछे जो बड़ी वजह बताई है वो भी बताऊंगा। और कांग्रेस अध्यक्ष पद में अब नए लोग गांधी परिवार से इतर चुनाव लड़ सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव किया गया है वो भी आप समझिए और जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर ताल ठोकने से पहले भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा के पांचवें दिन वो केरल पहुंचे, जहां उनकी यात्रा में कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। The भारत जोड़ो यात्रा is just an extension of the ideas that prevail in Kerala. राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर का सफर 150 दिन में पूरा करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी उसी टूलकिट का हिस्सा बता रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में तेल छिड़क दिया गया, अब आग लगेगी। We have huge unemployment. You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. They have the BJP has spread kerosene all over the country. कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो देश के तमाम धर्मों को जोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के इस दावे में कितना खोखलापन है इसका अंदाजा आप असम की घटना से लगा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पांचवें दिन राहुल गांधी जब केरल में कदमताल कर रहे थे, उसी वक्त असम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कमरुल इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया। कमरुल इस्लाम ने इस्तीफे की जो वजह बताई वो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कमरुल ने आरोप लगाया कि पार्टी में दिशाहीनता और नेतृत्व में भ्रम है। कमरुल ने हाईकमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन दिल्ली दरबार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इससे उनका दिल टूट गया है। उन्होंने ऐसे नेतृत्व के साथ काम करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी जब अपनी पार्टी के नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं तो भारत जोड़ने की बात ख्याली पुलाव से ज्यादा है क्या? बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की चौथी लॉन्चिंग बताते हुए कहा कि उनकी यात्रा का देश की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस अब एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। राहुल गांधी जी को तो कुछ और ही दिखाना है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। He is a Disney prince of a Congress. Now Congress is not a old Congress. Now Congress is a Disney world. लोग तो छोड़ के चले गए, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी थी वो इनके साथ चल नहीं सकते। Congress is a like a expired injection. अब इसका कोई असर नहीं हो सकता, ना राहुल गांधी का ना Congress का। Fourth time उसकी launching हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अभी 5 दिन हुए हैं, 145 दिन का सफर बाकी है, लेकिन इन 5 दिनों में राहुल गांधी ने फिर फाउल कर दिया। तमिलनाडु में उन्होंने विवादित पादरी से मिलकर ईश्वर पर जो मीमांसा की उससे बीजेपी को एक और बड़ा हमला करने का हथियार मिल गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा को भारत का इतिहास नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं,
मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल पर एक और वज्रपात करते हुए कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान तो पहले से ही एक है। यू मेक योर एफर्ट इफ यू रियली वांट टू मेक भारत जोड़ो देन यू कैन गो टू इस्लामाबाद यू कैन गो टू लाहौर यू कैन ट्राई दैट वी हैव नो इशू। परिवारवाद और तुष्टिकरण के आरोपों में घिरी कांग्रेस इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार को पार्टी के भीतर ही चुनौतियां मिल रही हैं। शशि थरूर और मनीष तिवारी समेत 5 नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठाया था। दबाव में ही सही अब कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा लेने वाले 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट उन उम्मीदवारों को देने पर राजी हो गई जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जो नेता चुनाव लड़ेंगे उन्हें 10 डेलीगेट्स की लिस्ट भी दी जाएगी ताकि वो समर्थन पत्र हासिल कर सके। अध्यक्ष पद के लिए 24 से 30 सितंबर के बीच नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और बीते 24 साल में कांग्रेस में सोनिया और राहुल ही अध्यक्ष हैं। बीजेपी इसीलिए कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताकर हमला करती है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कांग्रेस में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे ताकतवर है। इसमें 23 सदस्य होते हैं। इन 23 में से 11 सदस्यों का चुनाव अकेले पार्टी अध्यक्ष करते हैं जबकि 12 सदस्य AICC की तरफ से नियुक्त किया जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन जिस केरल में राहुल यलगार कर रहे हैं वहीं के सांसद शशि थरूर उन्हें इस बार चुनौती देने की तैयारी में हैं। अब देखना यह है कि क्या 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई शख्स पार्टी का अध्यक्ष बनेगा या आगे भी गांधी खानदान ही पार्टी का अध्यक्ष रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। एक बड़ी खबर आ रही पश्चिम बंगाल से जहां कुछ बिहार में बीजेपी के जुलूस पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, जुलूस पर बम से बदमाशों ने हमला किया और इस हमले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और हमले करने का आरोप TMC पर लगा है और पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव आप देखिए बीजेपी का जुलूस था, अचानक से वहां पे बम धमाका हुआ, बम फेंक दिया गया और इसमें खबर है कि 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए कूच बिहार इलाके की है और वहां पर पुलिस के जवान भी भागते आपको नजर आए। 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। ये देखिए जुलूस जा रहा था, अचानक उस पर बम फेंक दिया गया और वहां पर आप देखिए कई धमाके होते हैं बम के और भगदड़ मच जाती है और खबर यह है कि इसमें 2 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर बाद में हंगामा हुआ और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे बम फेंका गया वहां पे। जुलूस जा रहा, अचानक से जुलूस के बीच में बम फेंका गया और वहां पे भगदड़ मच जाती है। देखिए पूरी सड़क खाली, पुलिस वाले भी दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं वहां पे और खबर है कि 2 इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उधर यूपी के बाराबंकी से एक परिवार के पलायन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह हिंदू परिवार विशेष समुदाय के दबंग लोगों से इतना डर गया कि अब वो वहां रहना ही नहीं चाहता, अब हाथों में तख्ती लिए मदद की गुहार लगा रहा है। ये है प्रजापति और उनकी पत्नी, हाथों में तख्ती है और आंखों में दर्द। प्रजापति का परिवार अपने गांव से पलायन के लिए मजबूर है। इनका आरोप है कि इलाके के विशेष समुदाय के दबंग इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इन्हें इनका घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पूजा पाठ करने देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मोहल्ले वाले कुछ नहीं करते हैं आपके? मोहल्ले वाले था जो सब मुस्लिम है वहाँ पर, 2-3 घर हिंदू के और 3 के दबाव में।
चाहते क्या हैं वो लोग? वो चाहते हैं सर कि यहाँ से भाग जाएंगे। मेरे बच्चे को भी बहुत मारा है जो हम सर आप ये चाहते हैं कि हम सब बोले ना लड़े झगड़ा भी हमसे दूर रहे, बस इतना भी हम चाहते हैं। मेरे घर की पूरी जानकारी है कर लीजिए। मैं जो अब मैं या तो हम परसों कल परसों भी हम जा सकते हैं घर छोड़ के। ये पूरा मामला यूपी के बाराबंकी में कुर्सी थाना क्षेत्र के खिरकिया पूर्वा गांव का है। बताया जा रहा है कि बच्चों के आपसी विवाद की वजह से विशेष समुदाय के दबंग लोगों ने इस परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। फिलहाल पीड़ित परिवार की मदद के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हाथ आगे बढ़ाया है। ये मजबूर होके वहाँ से पलायन को मजबूर है, वहाँ से अपने जमीन जायदाद सब बेच के जाने को मजबूर है। ये थाने में गए, थाने में इनकी एप्लीकेशन को ये कहा गया आप एप्लीकेशन बदल के लाइए, तब ये मेरे पास प्रताड़ित होकर आए। अखिल भारत हिंदू महासभा इनकी आवाज को उठाएगी और अधिकारियों से बात करके इनको न्याय दिलाने का कार्य करेगी। पुलिस के मुताबिक ये विवाद बच्चों के बीच का है। पुलिस ने इस मामले में धारा 151 के तहत कार्रवाई भी की है। पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से देखने की बात कह रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की चीज संज्ञान में लाई गई है, महिला को अवगत कराया गया है कि वो आकर यहाँ पर तहरीर दे। यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि इस मोहल्ले में इस ग्राम पंचायत में 60% आबादी बहुसंख्यक समुदाय की है और 40% अल्पसंख्यक समुदाय की है, तो इसमें अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की भी कोई बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई है, स्थिति सामान्य है। एक ऐसा ही मामला गोड्डा के राजपुरा गांव से भी सामने आया। दबंगों के डर से करीब आधा दर्जन लोगों ने गांव छोड़कर थाने में डेरा जमा लिया है। पिछले 24 घंटों से मुफस्सिल थाने में ये लोग डटे हुए हैं। पीड़ितों की माने तो मुहर्रम के वक्त गांव में आपसी विवाद हुआ था जिसमें एक महिला बुरी तरह घायल हो गई थी। लोगों को डर है कि अगर वो अपने गाँव जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो आज राष्ट्रवाद में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।